अंशुमन जी, मैं संजीव हूँ। हाँ संजीव, जय जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गांव घर का जो जीवन शैली होती है, हाँ, उसी में पली बढ़ी जी, जी, और उस एनवायरमेंट को इन्होंने पूरा जिया, और हाँ, वो भी एक बाहरी एजुकेशन लेने के बावजूद जी, जी, घर में वापस जाना, तो गाय भैंस का और जो मतलब हम लोग भी नानी के यहाँ जाते थे संजीव जी, जी, हाँ, हाँ, तो वो जो मम्मी धान रखने वाला क्या बोलते हैं उसको बखारी, तो बखारी के पास हम लोग बचपन में खेले हैं, उठे जी, हैं बैठे जी, हैं, वो सब जो दृश्य है ना जी, जी, हम लोगों के बहुत करीब है। हाँ, उसी तरह से शारदा जी को मैंने ये देखा है कि ये जिस परिवेश में पली बढ़ी है वहाँ पर लोक संस्कृति का विशेष प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ा। बहुत सुंदर जी जी जी, और वो मतलब छाप रही है जी। हाँ, तो लोक संस्कृति के प्रभाव की वजह से क्या होता है कि वो जैसा है वैसा ही छाप आ जाता है। अब आप सोचिए कि इनके अंदर एक प्राकृतिक फ्यूजन हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये सुनती थी क्लासिकल, ये गाती थी क्लासिकल, इनकी जी, 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 ट्रेनिंग हुई क्लासिकल में, हुँ, तो सुर तो अंदर ऐसे करके मैच्योर हुए अंदर में, परिपक्वता जो है सुर में आई जी, लेकिन जी, जो अंदर में व्यक्तित्व था जिस पर लोक का पूरा पूरा प्रभाव था, हाँ, वो क्लासिकल के सुरों में ढल करके जब निकला तो वो शारदा सिन्हा का संगीत था। हमने पढ़ा है ना कि बचपन में नृत्य कला से बहुत ही लगाव था। हाँ, तो नृत्य कला से लगाव था, तो नृत्य कला छोड़कर संगीत में करियर बनाने की ऐसी क्या मतलब परिस्थितियां बन गई थी, और यह कितना चुनौतीपूर्ण था? इनमें उन्हें बिल्कुल आपने सही सुना है संजीव जी, और इनका तो जो नृत्य का प्रदर्शन है जी, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सामने में हुआ है पटना में जी, जब छोटी थी जी, तो भारतीय नृत्य कला मंदिर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब आए थे उनके अध्यक्षता में, वो चीफ गेस्ट थे वो, तो उसमें इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, और आगे नृत्य को हमेशा ये लेकर के चलती रही थी इनके अंदर। हम लोग जब छोटे थे रंजीत जी, तो हमने ये देखा है कि मम्मी रियाज करती थी हारमोनियम पे, गाना गा रही हैं, ये बाद की बात है। समझिए कि आप जिस समय का सवाल कर रहे हैं, मैं उससे आगे आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग जन्म लिए होंगे तो उसके बाद हमने ये देखा है, ये रियाज तो कर रही थी बैठ करके, फिर अचानक तबले पर कोई जबरदस्त जब पैटर्न बना ताल का, तो ये उठ करके सीधा घुंघरू लाती थी, बांधती थी और तत्कार करना शुरू कर देती थी। तत्कार बोलते हैं कथक में, तो वो जो पैर से नादेन धिन्ना जो निकाला जाता है पैर से, तो इनको असल में नृत्य से, नृत्य की जो भाव भंगिमा वाला जो पार्ट होता है नृत्य में, उससे इनका बहुत गहरा और विशेष लगाव रहा है। जो उसमें जिस तरह से भावों को प्रदर्शित करते हैं, जिस तरह से भंगिमाएं बना करके बात को एक्सप्रेस करते हैं नृत्य में, ये और उनको नृत्य का ये पार्ट बहुत ज्यादा पसंद रहा। ये जो स्विच ओवर आप कहते हैं कि नृत्य से संगीत में कैसे हुआ, तो स्विच ओवर बहुत इंटेंशनल नहीं था कि अब मैं नृत्य छोड़ करके संगीत में जा रही हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं आया था इनके लाइफ में। जी जी जी, ये बस ऐसा समझिए कि एक प्रोडिजी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, प्रतिभा से पूरा भरा हुआ कूट कूट करके, वो संगीत की दुनिया में, नृत्य की दुनिया में, एक संपुट अगर आप ले संगीत को तो उसमें नृत्य वाद्य और गीत सब आता है। जी 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 बिल्कुल, तो वैसे उस तरह से चलते बढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी जी जी। और नृत्य में, नृत्य जो इन्होंने सीखा जिसमें ये पारंगत हुई, वो मणिपुरी नृत्य था। हाँ हाँ जी जी जी, जिसका जिसकी ऑडियंस जो है ना वो बिहार उत्तर प्रदेश में नहीं है, मणिपुरी नृत्य की ऑडियंस नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पाई जाएगी। दूसरी बात है कि जो जिस लोक संस्कृति का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर था, उसका बाहर निकल करके आना नेचुरली, वो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना रोका नहीं जा सकता था, उसको स्वाभाविक रूप से वो बाहर आना ही था। जी जी जी, तो उसका और मणिपुरी नृत्य का ऐसा कोई विशेष नाता नहीं है। मणिपुरी नृत्य जो है वो भावभंगी में, जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेशन के लिए वो चीज इनके पास थी और वो इनके संगीत में उतर करके बाद में आई। जी जी जी, दूसरी बात है कि नृत्य को एज अ करियर ये जब चूज करते हैं, तो जो स्ट्रगल, जो सामाजिक स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ा है वो संगीत को गाने में, जी जी जी, उससे कहीं ज्यादा सामाजिक स्ट्रगल शायद इनको नृत्य में करना पड़ता। जी, मैं कहता हूँ कि 1960 या 70 के दशक में कोई आगना न हो और उनकी इज्जत नहीं हो सोसाइटी में, ऐसी बात नहीं थी।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि नृत्य उतर जाती तो वो था, लेकिन क्या है कि हम लोग जिस बिहार के परिवेश में जी, जहाँ जी, पर जमींदारी प्रथा का एक मान लीजिए कि जो जिसको बोलते हैं ना फ्यूडल माइंडसेट, हाँ हाँ जी जी जी, सामंतवादी जो समाज है उस समय में इनका गाना या नृत्य करना ही अपने आप में एक बड़ी बात, बहुत क्रांतिकारी कदम था अपने आप में। एक आर्टिकल मुझे याद है अखबार में कि ठाकुर की बेटी, क्या नाम, ठाकुर की बेटी स्टेज पर गाएगी, ठाकुर जहाज की बेटी स्टेज पर गाएगी प्रश्न, ये बड़ा सा एक प्रोफाइल आर्टिकल निकला था। यादव जी के साथ ये खासियत रही कि ये इतना ज्यादा अरेंज वे में यदि कहा जाए, वही एक इन्होंने मतलब गोपाल दास नीरज को, वो तो हिंदी के हैं, मान लीजिए भिखारी ठाकुर हो गए या महेंद्र मिश्र हो गए या कोई भी ऐसे जो रचयिता है अपने भोजपुरी मैथिली में विद्यापति हो गए, तो ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया कि एक किताब उठाई उसमें से चार गाने सेलेक्ट किए और कंपोज करके गा दिया। कहीं ज्यादा हैपनिंग जिसको कहते हैं होना, मतलब वो ऐसा होता था कि इनको, ये एक ऐसी सेलिब्रिटी है ना संजीव जी जो परिवार को साथ लेकर चली। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही कहा, डोमेस्टिक लाइफ भी इन्होंने लीड किया है। ये एक हाउसवाइफ रहते हुए सेलिब्रिटी बनी, ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चैलेंज। जी जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस एक ये भूमिका है इस बात की, वैसी जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति जो होगा उसके आसपास वैसे ही लोग पाए जाएंगे, जैसे कि प्लम भर बढ़ई, काम करने वाला, गैरेज वाला, ड्राइवर, इन लोगों से ये इनके आसपास होते थे। अब ये लोग गांव वाव के हुआ करते थे। जी जी जी, अपने यहाँ बिहार में गाने की एक बड़ी अजीब सी धुन है, लोगों को सबके दिल में गाना बड़ा अंदर बैठा रहता हुआ बैठा रहता है। जी जी, तो हमने तो कई गानों के बारे में ऐसा भी सुना है कि वो बढ़ई आया था और लकड़ी को रंदा मार रहा है और पूर्वी की धुन दिए जा रहा है। कई बार रोकते थे कि भाई तुम जो पहले गा रहे हो वो गाओ, अब उसको बिना रंदा चलाए गाना ही ना निकले, तो बोले नहीं नहीं तुम चलाते हुए गाओ, वही धुन है, वही धुन है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से बहुत सारे गाने ऐसे भी आए। अच्छा, बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकारों के गाने जो हैं वो भी इनको जब मिले, तो मिलने के बाद अक्सर शारदा जी को मैंने ये देखा है इनको करते हुए कि कई बार जो लेखनी होती है कविता की, जो लेखनी होती है उसका एक अलग पैटर्न है, वहां पर छंदबद्धता जो है छंद में आना वो कविता के नियमों पर चलेगा। अगर आधुनिक कविता है तो शायद छंद की जरूरत भी नहीं है। जी जी, शारदा जी क्या करती थी कि किसी का भी लिखा हुआ हो, जब तक कि वो महाकवि जैसे विद्यापति हो गए जिनकी रचनाओं के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है, वैसा छोड़ करके, और जो भी बड़े साहित्यकार होते थे उनकी रचनाओं में वो शब्दों को हमेशा इस तरह का गोल एक बनाव उसको में दे करके तब रखती थी, उसके ग्रामर में, उसके शब्द में ये बदलाव लाती थी ताकि वो सुनने में ज्यादा सॉफ्ट लगे, सुनने में और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे और जल्दी हृदय में उतरे। तो ये एक विशेषता है शारदा जी की जो मैंने, मतलब बीइंग अ सन ये बता रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ गायकी के क्षेत्र में बाकी लोगों को, ये वाली बात जो है वो इस तरह से जैसे उन्होंने फ्यूज किया है वो नजर नहीं आती, वो चीज नहीं दिखाई देती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एकदम। शारदा जी से अक्सर हम लोगों के बीच में चर्चा चलती रहती है, कभी भी जैसे कुछ टीवी पे आ गया या आजकल तो फेसबुक पे आता रहता है, तो ऐसे सुनने वालों में मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई आवाज लगाता है तो इनका कान जो है तुरंत एक्टिव हो जाएगा, सुनेगी कि अरे ये किसकी आवाज है। आवाजें बहुत हैं, आवाजें एक से एक हैं, बहुत ही अच्छी आवाजें हैं जी, और बस ये होता है कि जब वो गाना शुरू करते हैं तो उसके पीछे का म्यूजिक और जो समा वो बना करके जिस तरह से गाते हैं उसमें थोड़ा सा एक कमर्शियलाइजेशन का टाइम है म्यूजिक, कमर्शियलाइज करने के चक्कर में पैकेजिंग को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, गायकी और सुर थोड़ा सा पीछे की बेंच पे चले जाते हैं। गायकी की जहाँ तक बात है, ठहराव की कमी ये शारदा जी अक्सर देखती हैं और ऑब्जर्व करती हैं। पंपी बीट डालने की एक हैबिट सी हो गई है हर म्यूजिक डायरेक्टर को,
क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर भी एक सेट फ्रेम पे काम करते हैं कि देखिए ऐसा है ना कि ये वाला चलता है आजकल, तो सेट फॉर्मूला इंडस्ट्री का बना हुआ है कि तेज बीट का गाना होना चाहिए और ऊंचे सुर का गाना होना चाहिए तभी आपका एल्बम चलेगा। ऐसे फॉर्मूला से जब भी कोई लोक गायक आगे बढ़ना चाहेगा तो वो शायद एक बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए गा पाएगा, लोक संगीत को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा। शारदा जी जब तीसरी HMV के स्टूडियोज में जाती थी तो ये इनकी हिस्ट्री रही कि जगरा से कहाँ मिले जाला जो सुपरहिट एल्बम था इनका और प्रीतिया और खैली बड़ा धोखा, ये जो दौर था इनमें अक्सर इनके गाने एक टेक में होते थे। एक एक गाना में कई बार सही से गाने वाले को पूरा पूरा दिन लगता है एक गाना कंप्लीट करने में। अब नहीं, ये अब की बात नहीं है, अब तो एक दिन में एल्बम ही निकाल देते हैं 8-10 गाने। एक गाने में एक दिन लगा करता था, 15 दिन में एक एल्बम निकलता था, 10 दिन में। हाँ, ये इनके एल्बम में विशेषकर अच्छे स्पेशल रिकॉर्डर्स आते थे जिनको ध्वनि मुद्रण का ज्ञान होता था, जो FTIA जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए होते थे, साउंड इंजीनियरिंग का जिन्होंने प्रॉपर कोर्स किया हुआ है, जिनको विज्ञान के नियम से ये पता है कि क्या ऊपर क्या नीचे होना चाहिए, आवाज कितनी प्रोमिनेंट और संगीत कितना कम होना चाहिए, जो आज वो नहीं दिखता है। आज क्या है कि हर किसी को लाउड चाहिए, वोकल पर इंस्ट्रूमेंट हावी हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, वोकल पर इंस्ट्रूमेंट का हावी होना ये है। जी जी, ये मैं इसलिए मेंशन भी कर रहा था कि ये मेंशनेबल फैक्ट है कि ऐसे दौर में शारदा जी का एक दिन में 3 गाना एक एक टेक में क्लियर हो जाना बहुत मिराकुलस था। कंपनी में बहुत हंगामा हुआ करता था और लोग बहुत आश्चर्य से देखते थे कि ये क्या हो रहा है, जी जी जी, कैसे अंदर घुसी। और अब लाइव शुरू हुआ, म्यूजिशियन ने गलती कर दी तो भी शारदा जी को रुकना पड़ेगा, शारदा जी से अगर कुछ गाने में जरा सा हो गया तो पूरे उसको रुकना पड़ेगा। तो बहुत टेंशन का माहौल होता था, बहुत सीरियस था वो, ऑपरेशन थिएटर की तरह। रिकॉर्डिंग बूथ के बाहर लाल बत्ती जल जाती थी कि रिकॉर्डिंग इज ऑन, नो साउंड नो मूवमेंट। अब क्या हुआ कि आने वाले जब ये गाना गा रही होती थी, स्थाई अंतरा चल रहा है, उसके बाद जो म्यूजिक बजना था उसमें जैसे ही कुछ बदलाव आया तो शारदा जी ने अपनी गायकी में वही खड़े खड़े इम्प्रोवाइज किया और गाते गाते में कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये जो गाने का जो ये अखाड़ा है, इसमें इस तरह का एक परिपक्व खेला हुआ खिलाड़ी ही जब खड़ा रहेगा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दौर में यही होता क्या है कि तकनीक ने क्या किया कि गाने को एक तरह से आसान बना दिया, क्यों आप जो गा रहे हैं उसको इको डाल के, रिवर्ब डाल करके और खूब पॉलिश मार करके आपने चमका तो दिया। अब सवाल है कि जब गले का काम गला ना करे तो मशीन तो कितना करवा लेगा उससे, तो फिर वो गायकी कैसे कहें उसको, हम फिर गायकी कैसे कहेंगे उसको। आप 2016 में छठ के 2 गाने रिलीज किए शारदा जी ने। जी। मैंने स्वर शारदा को शुरू किया, स्वर शारदा एक शारदा जी के की अपनी मुहिम हुई, इसको मैं संचालित करता हूँ। तो स्वर शारदा से हमने 2 गाने रिलीज किए, एक सुपुओ न मिले माई और दूसरा पहले पहल छठी मैया, जो वायरल हिट हुआ यूट्यूब पे और काफी न्यूज चैनल्स पे भी इसको चलाया गया, दिखाया गया। खासियत ये थी कि 8 वर्षों के बाद शारदा जी एक छठ का गाना सिंगल रिलीज किया है उन्होंने यूट्यूब पर। मेरी ये इच्छा थी कि आज के म्यूजिक में शारदा जी कैसे इसको सामने रखें कि वो कंटेम्प्रेरी फॉर्म में HD हाई क्वालिटी और बहुत ही प्रेजेंटेबल इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए लायक हो। मैंने अपने कुछ मेरे जो मित्र थे संगीत जगत के पुराने, मैंने उनसे बातचीत की और कहा कि भाई आप लोग मॉडर्न म्यूजिक देते हैं, लेकिन मैं शारदा जी का गाया हुआ छठ का एक ट्रैक आपको भेज रहा हूँ, इस ट्रैक के साथ कैसा म्यूजिक देना है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझे कंटेम्प्रेरी मतलब अभी के समय का म्यूजिक चाहिए, इसमें मुझे प्रॉपर वायलिन की फील मिले, मुझे प्रॉपर एक एंसेम्बल की फील जिसको बोलते हैं वो मिले, और आप उस गाने को सुनिएगा कभी तो देखिएगा कि इसमें ट्रेडिशनली जो ढोलक तबला शहनाई जैसे यूज किए जाते हैं वैसा यूज नहीं किया गया है। बहुत सॉफ्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ये हुआ कि उसको बहुत हाई क्वालिटी रिलीज रखा गया, और वो उस गाने को आप अगर आज बॉलीवुड के किसी
फिल्म में डाल दें या कहीं पर भी उस गाने को अगर आप रख दें तो वो इक्वली स्टैंड होने के लिए अपनी ताकत रखता है। जहाँ लोग भोजपुरी को इस रूप में टारगेट करते हैं वहाँ शारदा जी की एक अलग पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी जो जहाँ शब्द की अपनी गरिमा है, भावना की अपनी गरिमा है, भाषा की अपनी गरिमा है ना, परंपरा की अपनी एक गरिमा है और उस गरिमा को सब लोग पूरी दुनिया सराहती है। इसको मेंटेन रखना बहुत ही मतलब एक चमत्कारी शक्ति की बात दिखाई देती मुझे उनमें। इसको मेंटेन रखने के लिए रंजीत जी बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। जी जी जो हमने देखा है माँ को करते हुए, मुझे एक कहानी याद आती है। मम्मी मुझे एक प्रोग्राम के बारे में बहुत बताती हैं कि पापा तुम्हारे कैसे थे। कि एक कार्यक्रम की बात है जहाँ जाने वाले थे शुरू शुरू के दौर, जब नया नया कार्यक्रम देना उन्होंने शुरू किया था तो एक कार्यक्रम फिक्स किया गया, उसमें जो है मम्मी ने जाने से पहले ये ऑर्गेनाइजर से कह दिया था कि अगर एक भी सीटी सुनाई दे दी मुझे नीचे से जी, तो मैं मस्त उतर जाऊंगी। दरभंगा शुभंकरपुर की बात, उसी बात इसी कड़ी में मैं ये जोड़ता हूँ संजीव जी कि देखिए लोक गीत गायकों का जो स्थान है संगीत के जगत वो पहले के समय में इतना ऊंचा मुझे लगता है नहीं, ये दर्जा नहीं था लोक गायन। अगर कुछ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर यदि शास्त्रीय गायन हो रहा है, उपशास्त्रीय गायन हो रहा है, सुगम संगीत हो रही है, पूछता नहीं था, तो लोक गायक हमेशा लास्ट में पाए जाते थे। इनके अपने ऐसे सैक्रिफाइसेस से और कॉम्प्रोमाइजेस जो इन्होंने नहीं किए और अपने एटीट्यूड की वजह से ये लोक संगीत इनका उठ करके अंतिम से पहले बेंच पर आ जाता है सीधा। क्योंकि आप एक लोक गायक को जैसे इनकी ये आदत थी, मतलब व्यक्तित्व क्या क्या कर सकता है एक व्यक्तित्व, हमने ये देखा है कि कैसे ये एकदम जिस शुद्धता के साथ ये रियाज की थी मंच पर वही शुद्धता मेंटेन रहे, इसके लिए वो बहुत एडमिट थे मंच पर। उस मंच पर जैसे कि मान लीजिए अब कहीं भोजपुरी क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है या कहीं मिथिला क्षेत्र में भी चल रहा हो, होता क्या है कि मंच पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसके पहन के घूम रहे, तो ये क्या है जैसे गाना गाते हुए इनकी अगर निगाह पड़ रही तो ये गाना रोक करके उसी पूरे गाना चल रहा खट गाना रुक गया, मंच पर जूता पहन के मत आइए, लाउडली अनाउंस होता था। वो व्यक्ति दोबारा जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। जी बहुत बड़ी बात जी। और ये पूरे मंच को एक शुद्धता देना, उसको वैसा रखना, उसके आगे ये हमेशा मंच को प्रणाम करके ऊपर चढ़ती थी और उतरती थी। तो इस तरह से तो आप देखिए अपने आप जब पूजा अपनी बहुत अच्छे से करेंगे तो आपके घर में जो आएगा वो भी भक्ति से ही घुसेगा अंदर। जी जी एक सांस्कृतिक माहौल बनाने की बात होती है। जी सांस्कृतिक माहौल बनाने की जरूरत होती है। जी, जी, तो कॉम्प्रोमाइज करने के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीजें थी जो इनके व्यक्तित्व से खुद आगे बढ़ करके इन्होंने किया, जिससे कि वो स्थिति पैदा हुई कि हाँ ये एक सीरियस चीज गा रही है, ये एक गंभीर चीज गा रही है जिसका हाई वैल्यू है। चैलेंज एक्सेप्ट करना इनका पेशा है, मतलब लिटरली हम लोगों ने देखा है चैलेंज कोई आ जाए सामने तो ये बहुत ही ज्यादा उत्साह से उसको लेती है। आज भी यदि छोटा गाना आए तो वो सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ेंगे, सबसे पहले वो फिल्म के गाने को एज अ चैलेंज उठाएंगी और गाएंगी। क्योंकि 2016 में स्वर शारदा से जो उन्होंने दो गाने रिलीज किए थे वो पहली एक ऐसी मुहिम थी जो शारदा जी ने अपने लेवल पे अपने मन से कैसे तो बोलते हैं कि अपने मन की रिकॉर्डिंग करवाई उन्होंने, अपने मन का म्यूजिक हो अपने तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। ऐसे प्रोजेक्ट्स और सिंगल्स और लाने की इच्छा है क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पर लाने की बहुत इच्छा है। और अब इतने पिछले मतलब चार दशकों में इन्होंने कई लोकगीत गाए, कई तरह की ऐसी विधाएं जो बिहार उत्तर प्रदेश की संस्कृति को झलकाती है उसको सामने उन्होंने रखा, लेकिन इनकी दिली तमन्ना जो है वो रही है हिंदी के साहित्यकारों को गाने की, जैसे कि गोपाल दास नीरज, उनकी तो कुछ रचनाएं गाई भी इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर हो गए ऐसे और गोपाल सिंह नेपाली हो गए। और दरअसल लोक गायकी से कहीं ज्यादा इनका मन और आत्मा है वो रमती थी सुगम संगीत से लेकर शास्त्रीय जो स्टाइल होता है उसमें। सुन लीजिएगा यूट्यूब पे किसी की याद करके गजल का एल्बम है, इस तरह के प्लान है कि स्वर शारदा नाम के अंतर्गत इस चैनल के अंतर्गत आगे संवर्धन का कार्य जो है करने की बहुत इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।